Yo, 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 what is up guys, कैसे हैं आप सभी? I hope you guys are doing absolutely fine. तो guys, I hope कि यार आप सब लोग guys यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे. स्वागत करता हूँ. क्या मस्त आवाज़ है दोस्तों वॉल्वो की. तो आपने कल ये वॉल्वो की कार देख ली होगी. तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कुछ इस टाइप की कार्स को, जो कि हाई स्पीड पर कितनी ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, और सामने की ओर एक टनल है, उसकी कंक्रीट की दीवार है, उसको क्रैश टेस्ट करेंगे और देखते हैं अपनी टॉप स्पीड पर. अगर गाड़ी अपनी टॉप स्पीड पर चल रही है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, अगर गाड़ी अपनी टॉप स्पीड पर चल रही है और ठुकती है तो क्या गाड़ी का दोस्त यहाँ पर कुछ बचेगा, और अपने पैसेंजर्स को कितना बचा सकती है वो. जितना इन कार्स का नाम है ना दोस्तों, चलो स्पोर्ट्स पे चलाता हूँ मैं इसे, और जब स्पोर्ट्स मोड पर चलती है तो कितनी ज़्यादा स्टेबल रहती है गाड़ी. वैसे सही है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स 6 स्टेबल बहुत है. मैं पूरा स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ, स्टेबल बहुत है, स्टेबलाइजेशन है गाड़ी के अंदर बहुत प्यारी. वो भी अपने टॉप एंड पे हल्के हल्के पहुँचेगी. S7 पे चल रही है, S7 स्पोर्ट्स गियर होगा कोई. सामने कंक्रीट की दीवार आने वाली है. 3 2 चलिए. रेडिएटर लीकिंग, फ्रंट राइट टायर बस्ट गाड़ी. आप सभी लोग यहाँ पे जस्ट नीचे देखिए कितना चीज़ें इस गाड़ी की डैमेज हुई हैं. इंजन भी ब्रोकन हो चुका है, फ्रंट एक्सल टूट चुका है. बचा क्या है गाड़ी का? पीछे का फ्यूल टैंक बचा है और दो जो टायर्स के वो था ना वो, बाकी हर चीज़ डैमेज है प्रॉपरली वे में. अब अगर मैं यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाने की कोशिश करूँ, तो सामने से देखिए आप वॉल्वो बिल्कुल अंदर घुस चुका है, ठीक है दोस्तों, और साइड से देखिए आप किस टाइप की गाड़ी की हालत हुई है. आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर देख तो पा ही रहे हैं, देख पा रहे हो, गाड़ी पीछे तक से भाई डैमेज हो चुकी है. पीछे तक से गाड़ी भाई जो है डैमेज हो चुकी है. तो ओ माय गॉड, मैं नहीं चाहता भाई गाड़ी और भी ज़्यादा गाइस यहाँ पर जो डैमेज वगैरह हो. तो बेसिकली सही था जो भी था. इंजन देखो, कुछ वो नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ रिस्पांस नहीं है. तो वोल्वो इतनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग के साथ आने वाली गाड़ी भी दोस्तों अपनी हाई स्पीड पर इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है कंक्रीट की दीवार से ठोकने के बाद. बाकी इंजन वगैरह गाड़ी का कुछ भी यहाँ पर दोस्तों नहीं बचा, एक सिंगल पीस भी गाड़ी का दोस्तों नहीं बचा. चलिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरी कार को यहाँ पर ट्राई किया जाए. गाइस, तो यहाँ पर जो दूसरी गाड़ी गाइस है यहाँ पर आ चुकी है, ये है मर्सिडीज़ की तरफ से आने वाली दोस्तों जी वैगन. ऑलराइट देन, आप सभी लोग यहाँ पर इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे हैं. ओके, और मैं अगर इंटीरियर की बात करूँ दोस्तों, तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है. ओ तेरी, ओके, जी वैगन की बात की जाए ना दोस्तों एक चीज़ को लेकर, जी वैगन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल गाड़ी मानी जाती है अब तक की, उसके जितनी स्टेबल नहीं है जी वैगन, जितनी वो थी ना उसके जितनी नहीं है. जी वैगन सिर्फ एक पत्थर से टकरा, ये भी कंक्रीट की दीवार से नहीं, और जी वैगन का देख लो क्या उड़ा, सिर्फ और सिर्फ ये पत्थर से टकराई थी दोस्तों जी वैगन. और बस इंजन चालू है, इंजन डैमेज नहीं हुआ है, बट बॉडी लाइन से गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. ऑडी की R8, ठीक है, ऑडी की R8, और काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर गाड़ी इसको माना जाता है.
इंटीरियर से तो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुके इंटीरियर से, तो गाड़ी बिल्कुल फुल रेंज दे रखी है। इंजन डिसेबल हो गया ना गाड़ी का। इंजन ही कार का डिसेबल हो गया गाइस। बट ऑडी आर एट में इतनी ज़्यादा डैमेजेस नहीं आए, साइड से एक तरीके से ख़त्म ही हो गई गाड़ी। बट इतनी भी मतलब कुछ तक की सबसे ज़्यादा बढ़िया गाड़ी कही जाने वाली रोल्स रॉयस। ओह माय गॉड, रिफ्लेक्टर्स भी अलग ही लगे हुए हैं। ये तो सही तरीके से चली नहीं पा रही। कार इंपैक्ट स्टॉपिंग कार। एक्सेल ब्रोकन कितनी जल्दी हुआ है डैमेज। खैर रोल्स रॉयस से मुझे उम्मीद नहीं थी यार। गाड़ी अंदर से देख लो अभी भी ठीक ही है, बट बाहर का इंपैक्ट कुछ ज़्यादा ही पड़ा है यार। और इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने के बाद भाई गाड़ी यहाँ पर दोस्तों बचती भी नहीं जाहिर से। तो यार यहाँ पर जो है दोस्तों हमारी दूसरी गाड़ी गाइस यहाँ पर जो आ चुकी है, जो कि है Q7। इसका नाम तो दोस्तों बहुत लोगों ने सुना है यार। ऑडी की एक जानी कही जाने वाली एक ऐसी गाड़ी दोस्तों है ये जी वैगन, जो कि दोस्तों अपने नाम से बिकती है यहाँ पर, स्पोर्ट्स मोड पर डालती अपने नाम से बिकती है सिर्फ ये। Q7 का इतना अच्छा खासा गाइस यहाँ पर मार्केट में नाम है, और अच्छी खासी इसकी बॉडी दोस्तों यहाँ पर दी जाती है। इतनी हाई स्पीड अगर इसको दे रखी है Q7 को, तो उसके हल्के से ब्रेक मार मार के दोस्तों देखो मुझे यहाँ पर चलानी होगी गाड़ी। मुझे पता है ना मुझे गाड़ी को कैसे ठोकना है। ठीक है तो जी वैगन ये सॉरी Q7 जैसे ही ठुकी है ये अंदर को धस गई है इसके। और राइट तो भाई कंक्रीट की दीवार मतलब कि गाइस गाड़ी के एकदम अंदर ही घुस गई है, और अंदर से भाई कोई पैसेंजर नहीं बचेगा भाई। गाड़ी तो देख लो क्या हालत हुई गाड़ी की। सनरूफ जो इतना बोलता है ना मैं सनरूफ के बारे में, और आप सभी लोग गाड़ी देखो भाई क्या बचा है गाड़ी के अंदर, क्या बचा है दोस्तों? कुछ भी नहीं बचा भाई, कुछ भी, हर चीज़ की ऐसी तैसी हो गई भाई। जब एक्सीडेंट होता है ना तो भाई कुछ भी नहीं बचता दोस्तों यहाँ पर, सिर्फ बोलने वाली। गाइस अब यहाँ पर एक जो है स्पोर्ट्स कार है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा शानदार दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स कार जो है मानी जाती है। ठीक है आप सब लोग गाइस यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाई आर आरपीएम पर 200 गाड़ी जो चल रही है। क्या बिगड़ा गाड़ी का? कुछ भी नहीं बिगड़ा, गाड़ी भी सही है दोस्तों चलने वाली कंडीशन में। बट क्या हुआ है मैं बता दूं, साइड से गाड़ी का इंपैक्ट पड़ा है। और सीधा इस टाइप का इम्पैक्ट पड़ने के बाद ना गाड़ी जो है भाई अपना संतुलन यहाँ पर खोती है। ठीक है ना, ये बैक से ख़राब होगी। अब देखो बैक से ख़राब होने वाली है अभी। चल 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 मेरी धनु, चल चल चल। ऑलराइट भाई, वैसे इस गाड़ी की छत भी दोस्तों पिचक चुकी है यहाँ पर। अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल बकवास। तो गाइज इस टाइप के डैमेजेस वाली वीडियो में आपने एक बार कल भी दोस्तों कमेंट करके नहीं बताया, तो एक बार इंजन अभी भी चालू है।
तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको यहाँ पर दोस्तों कौन सी कार्स यहाँ पर चेंजेस का दोस्तों एक बार मैं यहाँ पर जो है क्रैश टेस्ट करूँ ज़रूर से, ठीक है। बाकी यार मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।